मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का पिता मर जाता है या माँ मर जाती तो तुम जो रोते हो चीखते हो उसका ये कारण नहीं है कि तुम्हारा पिता से बहुत प्रेम था। जिंदा था तो तुमने दो कौड़ी को ना पूछा था, शायद घर के किसी कोने में पड़ा पड़ा सड़ा सड़ा मरा होगा और अब मर गया है तो छाती पीट रहे हो, ये पश्चाताप है। इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं। अब तुम्हारे भीतर धक्का लगा, अब तुम्हें जरा सा होश आया, मौत ने तुम्हें झकझोरा कि मैंने पिता के साथ क्या किया और अब क्षमा मांगने को भी ये व्यक्ति कभी मुझे मिल ना सकेगा। अब इसके पैर पकड़ के क्षमा मांग सकूं इसकी भी कोई सुविधा न रही, बात खत्म हो गई। अब ये छाया की तरह तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए सदियों तक तुम पूजा करते हो, पितृपक्ष मनाते हो, बाप की तस्वीर लगाते हो। बाप की तस्वीर पर कई घरों में मैं फूल चढ़ते देखता हूँ और जिंदा बापों पर कोई फूल नहीं चढ़ा था, बड़ा मजा है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि जिंदा बाप के चरणों में कोई रोज सुबह दो फूल रख देता हो। जिंदा बाप को तो दो रोटी भी दे दे तो बहुत एहसान, जिंदा बाप को तो देखना भी नहीं सुहाता लोगों, और जैसे ही मर जाता है वैसे ही फोटो बनवाते हैं लोग, स्मृति मंदिर बनवाते हैं लोग, स्मारक बनवाते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते। ये पश्चाताप है, ये भीतर की पीड़ा है जिसको ढांकने का उपाय कर रहे हैं। ये बाप के लिए कोई आदर नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ अपने घावों को फूलों में छिपाया जा रहा।